देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियां आई नाथुला पास के लिए, इतनी भीड़ यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा क्लाउड है अप्रैल के महीने में और सांस फूक रही है, सांस कम आता है नाथुला पास पे। यहाँ इंडिया और चाइना बॉर्डर है, वहाँ जाएंगे हम देखने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू नाथुला, आपका स्वागत है नाथुला पास में, फाइनली हम पहुंच गए। ये है इंडिया चाइना बॉर्डर। यहाँ का छांगू लेक बहुत ही फेमस है, यहाँ का बहुत दूर दूर से लोग आते हैं छांगू लेक पे फोटो। नहा धो के तैयार हो गए और एक टी शर्ट डाला, आज हम जाने वाले हैं नाथुला पास के लिए, बहुत ही अच्छा सफर होने वाला हमारा नाथुला पास के लिए। अभी हम जा रहे हैं नाथुला पास के लिए, यहाँ हमने गाड़ी रुकाई है नाथुला पास जाने के लिए, हमारी गाड़ी अलाउड नहीं है, इसके लिए हम यहाँ के लोकल गाड़ी हैं, वहाँ गाड़ी से जाएंगे। ये झाइलो गाड़ी है, झाइलो गाड़ी से जाएंगे हम नाथुला पास के लिए, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तक बने रही। ये सुंदर नजारा आपके सामने का जंगल, जंगल व्यू पॉइंट का। मेरे पीछे है कंचनजंगा व्यू पॉइंट, यहाँ का सिक्किम का गंगटोक से 15 किलोमीटर दूर ऊपर लगता है व्यू पॉइंट, बहुत ही सुंदर पॉइंट है। यहाँ पर आए हम नाथुला पास को जाने के लिए, हमने यहाँ पर यहाँ की लोकल कार ली, हमारी कार ले जाना अलाउड नहीं है, इसके लिए यहाँ लोकल कार की अलाउड है, इसके लिए हमने यहाँ लोकल कार ली और हम जा रहे हैं अभी नाथुला पास पे। हमने कल बहुत ही ट्राई किया हमारी कार ले जाने का, पर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया वो अलाउड ही नहीं है, झाइलो कार है उनकी, जहाँ की लोकल से यहाँ पे एजेंट ट्रेवल्स। ये कार लेके हम सीधा जाने वाले यहाँ से नाथुला पास, वहाँ के सुंदर सुंदर और तगड़े वाले व्यू आपको दिखाऊंगा मैं इस चैनल पर, एंड तक बने रहे, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है नाथुला पास का। यहाँ से इतने सुंदर नज़ारे, तो आगे कितने सुंदर नज़ारे होंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। से दिखता हुआ पूरा स्नो के पहाड़, पूरी तरह आइस जमी हुई है पहाड़ पर, रास्ते में फॉग आता हुआ पूरी तरह सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया है नाथुला पास और यहाँ पे फॉग आ चुका है, हमें ऐसा लगता है हमें स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा, देखते आगे मिलता है क्या नहीं, हमारे नसीब में है क्या नहीं स्नोफॉल। बहुत ही सुंदर नज़ारे आपके सामने यहाँ पर है और यहाँ पूरी तरह फॉग आता हुआ। नाथुला पास का रास्ता लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया और यहाँ पे हमको मिले बड़े बड़े पहाड़ जो स्नो से भरे हुए, बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू है और हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ घूमने को। मेरे पीछे देख सकते हैं हम अप्रैल में आए, अप्रैल में बहुत ही अच्छा टाइम होता है घूमने का और अप्रैल में यहाँ का सीजन होता है घूमने का, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लाउड आता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। हम पूरा मज़े लेते हुए इस नज़ारे का, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें आकर सिक्किम का नाथुला पास जाने का रास्ता यहाँ पर, और यहाँ ब्रेकफास्ट करने रुके हैं, हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और आगे की ओर जाएंगे, आपको दिखाएंगे इससे भी बढ़िया सुंदर सुंदर नज़ारे, एंड तक बने रहे, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। पीछे देख सकते हैं पूरे स्नो से भरे हुए पहाड़ है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ घूमने को, बहुत ही अच्छे अच्छे स्नो पहाड़े हैं, रास्ते पे ही आइस गिरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है इसके लिए, रास्ते पे ही आइस है और मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे स्नो से भरे हुए पहाड़, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ घूमने में। सिक्किम में बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे यहाँ के।
फाइनली हम पहुंच गए नाथुला पास के लिए। देख सकते हैं आपके सामने नाथुला पास बहुत ही अच्छा दिखता हुआ। देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियाँ आई नाथुला पास के लिए, इतनी भीड़ यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है नाथुला पास के लिए। ये आइस देखने के लिए बहुत लंबे लंबे से लोग आते हैं यहाँ पर ये आइस देखने के लिए। नाथुला पास का व्यू बहुत ही सुंदर लगता हुआ, नाथुला पास का व्यू, सुंदर सुंदर नज़ारे आपके सामने। यहाँ देख सकते यहाँ लिखा हुआ है फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप पर, वेलकम टू नाथुला। बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है मेरे पीछे नाथुला पास, बहुत ही अच्छा सुंदर सुंदर व्यू आता हुआ यहाँ पर। यहाँ इंडिया और चाइना बॉर्डर है, वहाँ जाएंगे हम देखने के लिए। यहाँ पैदल पैदल सीधा ऊपर की ओर नाथुला पास के यहाँ जा रहे हैं, ऊपर चढ़ के नाथुला पास देखेंगे और इंडिया और चीन बॉर्डर देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कितना स्नो है, बहुत ही ज्यादा आइस है यहाँ पर नाथुला पास पे। बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पर, पैदल पैदल जा रहे हैं हम नाथुला पास के लिए। देख सकते हैं आई से या पूरी तरह पैर फिसल रहा है नाथुला पास जाने के लिए। ऊपर के लिए कितनी ज्यादा भीड़ है, ये देखो कितनी ज्यादा भीड़ है नाथुला पास जाने के लिए। ये पूरा आइस, यहाँ पूरे आइस है। ये देख सकते हैं ये रेड कलर की जो घर है वो इंडिया के, और सामने जो पहाड़ पे छोटा सा दिखता है वो चीनी का बॉर्डर है। फाइनली हम पहुंच गए हैं नाथुला पास के लिए, जो सामने दिखता है इंडिया का तिरंगा, जो उसके बाद जो व्हाइट कलर का जो बॉर्डर है जो चाइना वालों का है, देख सकते हैं आप। ये सामने आपके चाइना बॉर्डर, ये देख सकते हैं आप इंडिया का बॉर्डर, और उसके बाजू में जो चाइना का बॉर्डर है यही है चाइना का बॉर्डर, और बाजू में है इंडिया का बॉर्डर। बहुत ही अच्छे से लहराता हुआ इंडिया का ध्वज, और ये सामने देख सकते हैं आप नाथुला। आज बहुत ज़्यादा क्लाउड है, देख सकते हैं आप नाथुला पास पे, वहाँ फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, इसके लिए यहाँ से फोटोग्राफर ले। बहुत ही ज़्यादा क्लाउड है अप्रैल के महीने में, और सांस फूक रही है, सांस कम आता है नाथुला पास पे। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, बहुत ही ज़्यादा स्नो है यहाँ पर, स्नो नहीं बहुत ही ज़्यादा आइस है यहाँ पर जो बर्फ बोलते हैं। और आज हमने नाथुला पास भी देख लिया, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे। वहाँ साले चीने हमारा फोटो खींच रहे थे, वो बोले वो कोई नहीं, वो देखते ही ज़्यादा भीड़ देखे हमें, और बहुत ही ज़्यादा क्लाउड है आज नाथुला पास के लिए अप्रैल के महीने में। ये सीजन का सीजन रहता है इसके लिए ज़्यादा भीड़ है, मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा नाथुला पास है, यहाँ ज़्यादा भीड़ भी है और ज़्यादा आइस भी है। आप आइए तो ज़रूर आइए, बहुत ज़्यादा आइस देखने को मिलेंगे आपको नाथुला पास में। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको नाथुला पास में, ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट है। आप ये देख सकते हैं आप, ये चीन का बाउंड्री है और ये इंडिया का बाउंड्री है, कितना फर्क है, यहाँ से साफ साफ दिखाई देता है। वहाँ चीन का झंडा लहराता हुआ ध्वज, और यहाँ पे इंडिया का ध्वज लहराता हुआ, कितना अंतर है देखिए यहाँ पे चीन और इंडिया के अंदर। बहुत ही सुंदर नज़ारा, ठंडी ठंडी हवा आती हुई, बहुत ही ज़्यादा फॉग होता हुआ यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता हुआ यहाँ पर जो सुंदर नज़ारे। ये देख सकते आप
वेलकम यू टू नाथोला 14,140 फीट ऊंचाई है और यहाँ तोप है और ये गौतम बुद्ध का स्टैचू बहुत ही सुंदर सुंदर नजारे और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट है। पर आपका स्वागत है नाथुला पास में। फाइनली हम पहुँच गए 2 दिन के बाद नाथुला पास में। बहुत अच्छा लग रहा हमें नाथुला पास। ये देख सकते हैं यहाँ पूरी पूरा लिखा हुआ है नाथुला पास कितना ऊपर है। ये है नाथुला पास का कितना फुट ऊंचा यहाँ लिखे लगे नाथुला पास 14,140 फुट ऊंचा नाथुला पास है। बहुत ही ऊंचा ऊपर आया है। यहाँ सांस लेने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन लेके आ सकता है। बहुत ही ऊंचा है और मेरे पीछे देख सकते यहाँ का सुंदर सुंदर नज़ारे। वहाँ इंडिया का बॉर्डर है और उसके बाजू में जो चीन का बॉर्डर है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे, सच में मज़ा आ गया है। पूरी थकान यहाँ थका हुआ था पूरे यहाँ थकान मिट गया है। मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ का चीनी का झंडा लहराता हुआ, वो है चीन बॉर्डर। और यहाँ पे है हिंदुस्तान का बॉर्डर यानी इंडिया का बॉर्डर। बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा है। हमने विजिट की यहाँ पे नाथुला पास की। ये 14,140 फीट ऊंचाई, इसके लिए सांस व्यास लेने के लिए प्रॉब्लम आता है। चलो नीचे चलते हैं। यहाँ का व्यू पॉइंट विजिट कर लिया हमने, अभी नीचे की ओर जाएंगे और पूरा विजिट करेंगे हम। यहाँ रुके हम लेक के पास और अब ऊपर जाके आ गए हम नाथुला पास। अब नीचे जा रहे हैं। लेक बहुत सुंदर लेक दिखता हुआ है ना, नाथुला पास जाते समय लगता है ये लेक। बहुत ही सुंदर लेक है ये जो नाथुला पास जाते समय लगता है। देखिए मेरे पीछे एकदम तगड़ा वाला नज़ारा, एकदम बढ़िया वाला नज़ारा। ज़रूर विजिट कीजिए आप। छांगू लेक बहुत ही फेमस है। यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं छांगू लेक पे फोटो खिंचवाने। बहुत लंबा लंबा से आते हैं। सिक्किम का टॉप प्लेस में आता है छांगू लेक और यहाँ का ये सफारी बहुत ही फेमस है। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर सुंदर नज़ारे आपके सामने है छांगू लेक। मेरे पीछे देख सकते हैं आप छांगू लेक, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपके सामने छांगू लेक का। बहुत ही मज़ा आ गया है यहाँ पे आके। जो सिक्किम में टॉप प्लेस में आता है छांगू लेक का, यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा नज़ारे मिलते हैं देखने के लिए छांगू लेक के। ये सिक्किम और गंगटोक में बहुत फेमस है छांगू लेक। जहाँ सिक्किम आएंगे आप छांगू लेक बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ आना ज़रूर विजिट कीजिए आप। छांगू लेक टॉप प्लेस में से एक आता है। यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे और ये सफारी करना ना भूलिए। और यहाँ से आप सीधा हम जाएंगे गंगटोक के लिए। गंगटोक से सीधा जाएंगे हम नेपाल। यहाँ का पूरा विजिट कर लिया हमने छांगू लेक, बहुत ही बढ़िया लगा हमने। आप भी देखो छांगू लेक